न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन दुनिया का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त, जो 38 देशों में फैल चुका है। भारत में भी ये स्पीड पकड़ रहा है और इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि सिर्फ 4 दिनों में 21 केसेस ओमिक्रॉन के हमारे सामने आ चुके हैं। अकेले रविवार को 17 केसेस ओमिक्रॉन के देश में रिपोर्ट किए गए। जयपुर में रविवार को 9 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 केस ओमिक्रॉन का रिपोर्ट किया गया है। अगर इससे पहले की बात करें तो 2 दिसंबर को सबसे पहले भारत सरकार ने ओमिक्रॉन के 2 मामले भारत में रिपोर्ट किए। जो दोनों मामले थे वो कर्नाटक से थे, जिसमें एक बेंगलोर के डॉक्टर थे जो भारत में ही रह रहे थे, जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, वो बाहर से नहीं आए थे। दूसरे केसेस में अगर हम बात करें तो लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं या विदेशी नागरिक हैं, लेकिन बेंगलोर के डॉक्टर ने जो बात कही है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि भले ही मुझे रिपोर्ट कर दिया गया है और मैं पहले पता चल गया हूँ कि ओमिक्रॉन मेरे अंदर चला गया है, लेकिन देश में ये पहले फैल चुका है। देश में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन से तीसरी लहर की जो आशंकाएं हैं वो तेज हो रही हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने अपने मैथमेटिकल मॉडल, अपने गणितीय फॉर्मूले से जो कंप्यूटर बेस्ड स्टडी करी है, उसमें साफ तौर पर बताया है कि दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट वीक से ओमिक्रॉन धीरे धीरे तेजी पर जाएगा और उसके बाद जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक में ये पीक पर हो सकता है। पीक पर होने का मतलब ये है कि देश में 1 से 1.5 लाख कोरोना के मामले सामने आना। डॉक्टर मणिंद्र अग्रवाल का तीसरी लहर को लेकर जो पूर्वानुमान है, जो भविष्यवाणी है, उसको इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो पहली लहर और दूसरी लहर को लेकर जो बातें कही थी वो सटीक साबित हुई थी। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल के अलावा जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ओमिक्रॉन अब भारत में तेजी पकड़ेगा। 38 देशों में अब तक पहुंचने वाला ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया। 26 नवंबर को WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रख दिया, यानी कि एक ऐसा वेरिएंट जिसको लेकर चिंता रखनी चाहिए। और चिंता के बाद लगातार हमने देखा कि किस तरह से ये लगातार दुनिया के बड़े बड़े देशों में पहुँचा, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, इसके अलावा मेक्सिको और भारत। भारत में भी ये तेजी बरत रहा है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जिस तरह से ये फैलता है उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो डेल्टा से कई गुना तेजी से फैलने की बात है, यानी कि ये डेल्टा से कई गुना ज़्यादा संक्रामक, इन्फेक्शियस है। इसको आप ऐसे समझिए कि दक्षिण अफ्रीका में ये 300% से ज़्यादा केवल एक दिन में फैला। अगर UK की बात करें तो शनिवार को UK में ओमिक्रॉन से होने वाले मामले 160 थे, जो रविवार को 246 हो गए। यानी कि ब्रिटेन में शनिवार से रविवार तक में जो ओमिक्रॉन मामलों में बढ़ोतरी हुई वो 50% से ज्यादा की हुई। ये सिर्फ ब्रिटेन की ही बात नहीं है, दूसरे देशों की भी बात करेंगे तो ओमिक्रॉन मामलों में लगातार एलिवेशन हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में ओमिक्रॉन मामलों को रोकने के लिए, थामने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर 28 नवंबर को ही भारत सरकार ने कई गाइडलाइंस घोषित कर दी थी, जिनको 1 दिसंबर से फॉलो किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर आप समझ सकते हैं कि कंट्री एट हाई रिस्क, यानी कि ऐसे देश जहां से जोखिम है, जहां पर ओमिक्रॉन रजिस्टर्ड पहले हुए हैं, वहां से आने वाली फ्लाइट से जो लोग आए हैं उनका RT-PCR टेस्ट कंपलसरी होगा। इसके साथ साथ उनको ट्रेस भी किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपने कई तरह के नियम, कायदे, कानून शुरू कर दिए हैं। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में अब मॉल और थिएटर में जाने के लिए आपको दोनों वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा, यानी कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं ये बताना ज़रूरी होगा, तभी आप मॉल और थिएटर में जा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने, उसको थामने के लिए अगर कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन। फुल्ली वैक्सीनेशन से कम ये प्रयास किया जा सकता है कि किसी भी तरह का वेरिएंट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना दोबारा हो सकता है, रीइन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं कि अगर आपने वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है
तो ज़रूर अपनी पहली वैक्सीन लगवाएं, और अगर आपने पहली वैक्सीन लगवा ली है तो अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसके साथ साथ मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग वक्त वक्त करते रहें।